गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए मॉर्निंग की क्लिप है। बारिश हल्की हल्की बूंदे पड़ रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। जोर से बोलो। तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं प्रेस के कपड़े निकाल रहे थे, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि बारिश भी लगातार ही हो रही है, धूप भी नहीं निकल रही है। तो कल थोड़ी देर मौसम खुला था। कैसे हैं आप सब? तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे और अभी मैं छत पे आई हूँ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की, मतलब सोते छींटे पड़ते हैं। तो बच्चे आए थे छत में, भाग रहे थे ऊपर, तो मैं उनको लेने ही आई थी, लेकिन जब तक मैंने देखा ये लोग खेल रहे हैं थोड़ी देर, मैंने कहा चलो मैं अभी अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए उनकी मस्ती चल रही है। मैं इनको बोल रही हूँ चलो नीचे नीचे चलो, पर ये नहीं चल रहे। चलो नीचे चलो, ये हो रहा है, ये देखिए इनकी मस्ती हो रही है। और अभी इतना वेदर इतना अच्छा हो रखा है, क्योंकि सुबह से कल रात से बारिश हो रही है लगातार, तो वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो मन कर रहा है कि अभी ये रुक जाओ, पर हल्की हल्की सी जैसे बुर सी होती है ना, वो गिर रही है, तो फ़ोन पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं फ़ोन पर गिर जाए तो फ़ोन खराब हो जाएगा पानी से, तो इसलिए अभी नीचे जाना पड़ेगा। और चाय वगैरह हो गई हमारी, मम्मी को बताता हूँ, तो चलो नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चों के चल रही है डांस की क्लास, क्योंकि तीनों की तीनों जैसे ही छत में आते हैं तो इनका मटकना शुरू हो जाता है। ये देखिए तीनों की तीनों मतलब कुछ आए ना आए, पर अगर खड़े भी होंगे ना तो मटकने, मतलब हिलते रहते हैं, तो बस शुरू हो जाते हैं ये अपने डांस की मस्ती करने। और मैं इनको बोल रही हूँ चलो नीचे चलो, बारिश लग रही है, पर नहीं, ये कह रहे नहीं डांस करने दो, डांस करने दो, डांस करने दो। तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, ठंडा था, पर हल्की हल्की सी छींटे पड़ रहे थे। तो अभी ये डांस कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये ऊपर नीचे इनका ऐसे ही लगा रहते हैं। तो अभी देखा, जैसे कि आपने देख सकते हो कि बच्चों की अभी चल रही थी मस्ती, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये मस्ती, मतलब पढ़ाई तो क्या करते हैं, थोड़ी देर ये मस्ती उछल कूद चलता रहता है इनका, थोड़ी देर ये
शांति से मतलब मुझे काम करने से वो रहता है इनका। और आज दिन भर से बहुत बारिश हो रही थी और कपड़े सुखाने में भी होता है बच्चों से, मुझे बहुत टेंशन रहती है कि मैं कहाँ सुखाऊँ, क्योंकि अजीब सी स्मेल से आती है कपड़े से ना, अगर एक दिन भी धूप ना लगे, जैसे कल धूप आई थी थोड़ी देर, मतलब दिन में मौसम खुल गया था तो अच्छे से कपड़े सूख गए थे, तो ये ना कि चलो ठीक है कपड़े सूख गए, तो आज तो पूरे दिन मतलब कल रात से इतनी मोटी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और दिन भर भी ऐसी झूल लगी रही है, हल्की बारिश तो होती रही। और डिनर मेरा रेडी हो चुका है, मतलब मैंने शेयर नहीं करी आपसे क्योंकि मैंने सिंपल से दाल बनाई थी, मैंने लौकी चना दाल बनाई है क्योंकि दिन में दाल बनाई थी, मतलब ये होता ना कि रात को कभी कभी सूखी सब्जी मतलब किसी को पसंद आती किसी को नहीं आती, तो बैंगन भी रखे थे और अरबी भी थी, पर मैंने कहा चलो लौकी चना बहुत दिन से नहीं बनाई थी, मैंने कहा लौकी चना बना लेते क्योंकि इसे बच्चे बड़े सब आराम से खा लेते, तो इसलिए लौकी चना बनाया है। अभी इनको रोटी वगैरह खिलाई है मैंने, अब इनको सोने की तैयारी होगी क्योंकि 8:30 या 9:30 बजे सो जाएंगे, तो इनकी क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, अभी इनके कपड़े वगैरह निकालने क्योंकि दिन भर ये छोल कूद करके इधर उधर घूम के, तो ये रहता है कि रात को सोते हुए इनको मतलब अच्छे से क्लीन करके तब ये बेड पे आते हैं, तो अभी 10-15 मिनट ये खेलेंगी, तब तक मैं इनकी सोने की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब इनका दूध वगैरह रेडी कर लेती हूँ क्योंकि दूध पे के ही सोते हैं वैसे, मतलब रोटी खा ली लेकिन इनको दूध चाहिए चाहिए सोने के लिए, तो ये इनका दूध वगैरह मैं बना लेती हूँ और चलो थोड़ी देर। तो बच्चों की पढ़ाई के बाद और उनके डिनर के बाद मैं आ चुकी हूँ अब उनको रेडी करने, क्योंकि अब उनके हैं सोने का टाइम, तो दोनों की इस टाइम मस्ती भी चल रही है, देखिए बीच बीच में आते रहते हैं कैमरे के आगे, तो मैंने कहा जल्दी से रेडी हो क्योंकि आज 9:45 हो चुके थे, बहुत लेट हो चुका था मुझे काम निपटाते निपटाते, और ये मेरी जो छोटी वाली बेटी है तो फिर भी इजीली मतलब आराम से आ जाती है मेरे हाथ में, लेकिन ये बड़ी वाली बहुत शैतान है तो ये इधर उधर भागती रहती है, तो इसको तो खींच खींच के लेके आना पड़ता है, वो देखिए हमेशा कैसे अपने और बाल खोल दो तो इतने खुश रहते हैं ना ये बच्चे, मतलब ये चुटिया मैंने बताया ना चुटिया और जोड़ा बनाने के लिए इतना रोते हैं कि नहीं हमें खुले बाल रहने दो। तो चलिए ये तो था इनकी थोड़ी सी मस्ती और मैं इनको अब रेडी कर लेती हूँ जल्दी से, फिर मुझे इनको दूध वगैरह देना है, और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मतलब पता भी नहीं चला कि कहाँ, बच्चों के साथ पता भी नहीं चलता कि दिन का कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है, मतलब अगर कुछ काम करने बैठे तो दूसरा काम निकल जाता है मेरा, तो अब इनको जल्दी से रेडी कर लेती हूँ, फिर इनको सुलाने के बाद मुझे अपना आगे का मतलब रूटीन जो रोटी वगैरह बनानी है वो भी अभी, क्योंकि हम लोगों ने अभी रोटी नहीं खाई है तो उनको हम अपना भी डिनर करना है, तो इनको सुलाने के बाद मैं अपना डिनर बनाती हूँ, मतलब सब्जी तो बन जाती है रोटियाँ वगैरह तभी गर्म गर्म बनती है हमारी, तो चलो ये तो रेडी होते रहेंगे तब तक मैं अपना काम आगे का काम निपटाती हूँ। तो बच्चों को सुलाने के बाद मैं आ गई थी अपनी रोटियां बनाने, क्योंकि हमारी रोटियों का टाइम भी हो चुका था, बच्चे तो सो जाते हैं 9 बजे सो जाते हैं, तो फिर 9:15 बजे मैं दोबारा किचन में आ जाती हूँ डिनर की मतलब रोटियां बनाने के लिए, तो ये मैंने पापा जी के लिए थाली लगाई है। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात को हम मतलब क्लीन करके ही सोते हैं ये चीज़ें, और बर्तन वगैरह भी हम रात को ही मतलब साफ़ कर लेते हैं, ऐसा मतलब रखते नहीं हैं हम बर्तन वगैरह, कि कोई होता है ना कि सुबह साफ़ करता है बर्तन अपने, लेकिन हम अपनी किचन रात को ही मतलब जो टाइम है उसका ही उसी टाइम क्लीन कर लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट से मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर थकान ऐसी रहती है कि मन करता है कि जल्दी जल्दी से किचन से फ्री हो जाओ, फिर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, तो ये जल्दी से मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं और बच्चे खाना खा के सो चुके हैं, और अब करेंगे अपने वीडियो का एंड, क्योंकि अभी मुझे करनी है अपनी वीडियो की एडिटिंग, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये देखिए मैंने बिन्नी का लगा दिया क्योंकि मैं रात को उसको ऊपर नीचे करती रहती क्योंकि एक ही जगह में ना निशान पड़ जाते हैं, तो चलिए मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ जो मेरे वीडियोस को देखते हैं तो लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।